हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग जिस वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे, इस वेब सीरीज का नाम है वर्जिन भास्कर। यहाँ पर हमें कहानी सिंपल सिंपल आप लोग टाइटल से समझ जाओगे कि वर्जिन भास्कर मतलब एक लड़का है जो बनारस में रहता है। वो बनारस में आया अपनी पढ़ाई करने, यूपीएससी की पढ़ाई पूरी करने के लिए आया, लेकिन यहाँ पर वो 27 साल का हो चुका है और एक वर्जिन है। तो जो उसके दोस्त, चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे उसके मोहल्ले का रोहन हो, वो जितने भी लोग उसको वर्जिन भास्कर चिढ़ाते हैं, परेशान करते, तो इसीलिए चाहता है किसी तरीके से वो वर्जिन ना रहे। तो इसी बीच उसको एक लड़की मिलती है, जिस लड़की का नाम होता है विधि। विधि एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है, यानी कि वो बहुत ही बेबाक है, बहुत ही बिंदास है। तो वो और भास्कर किस तरीके से आपस में मिलते हैं, उनके बीच में आगे क्या होता है, क्या भास्कर अपनी वर्जिनिटी खोते हैं विधि के साथ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वेब सीरीज जिसका नाम है वर्जिन भास्कर। यहाँ पर हमें भास्कर त्रिपाठी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुमन भाभी, रोहन, उसके अलावा दो और कपल्स और मिश्रा जी। तो तरह तरह के यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे। तो और किसी की जो प्रॉब्लम है वो कोई भी जॉब से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड नहीं है, सबकी रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम हुआ है, सेक्स। यानी कि जो एक कपल है उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन जो उसमें लड़का है वो लड़की के साथ, यानी अपनी मंगेतर के साथ सेक्स करना चाहता है, उसको शादी तक का सबर नहीं है। जो सुमन भाभी है वो टिकटॉक में वीडियो बनाती है, लेकिन उसको भी नए नए लड़कों के साथ सेक्स करना है। जो रोहन है वो भाभियों का दीवाना, उसको भाभियों के साथ सेक्स करना है। और जो मैं आपको बताया भास्कर त्रिपाठी है, भास्कर त्रिपाठी को अपनी वर्जिनिटी खोना है। और जो मिश्रा जी है वो भी सेक्स के भूखे, उनको भी सेक्स करना है। और यहाँ पर ऐसा बता कि जो बनारस में बच्चे ठहरकी है, मतलब बनारस के रहने वाले जो बच्चे वो भी ठहरकी। अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो बनारस गया नहीं। इसी तरीके का जो माहौल था वो हमें मोहल्ला 80 जो पिक्चर आई थी सनी देओल की, उसमें भी कुछ बनारस को इसी तरीके से बदनाम किया गया था। इस वेब सीरीज में अगर 11 एपिसोड है तो लास्ट के जो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां एपिसोड फिर भी एडल्ट पार्ट हटा दे तो लास्ट के 4 एपिसोड अच्छे लगे मुझे, क्योंकि वहां पर आपको मिश्रा जी की कॉमेडी देखने को मिली। प्लस जब भास्कर और विधि का जब ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप के बाद की जो कहानी है वो अच्छी बताई है। फिर भास्कर के डैड आते हैं, यानी उसके पिताजी आने के बाद किस तरीके से नसीहत देते, तो क्या कुछ होता है, वो लास्ट के 4 एपिसोड देख के फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जितने भी एडल्ट सीन्स बताए ना, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब कि इंडियन टेलीविजन पे इतना ज्यादा बोल्ड बताना मेरे हिसाब से इतना सही नहीं है। अगर आप लोग ये सब चीजें देखना पसंद करते तो आप बेशक होकर देखिए। मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में।